क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। देव जी, आप हैं सेठ जेठाराम जी, कपास के बहुत बड़े व्यापारी हैं। कमागर गनी कांबा जी। बस हम यही चाह रहे थे कि एक बार थारी गंगा को देख लेवेंगे ना, तो अगर पसंद आ गई तो हाथों हाथ रिश्ता पक्का कर देवेंगे और शुभ मुहूर्त निकाल के ब्याह भी करवा देंगे। क्यों सेठ जी, ठीक है ना? नहीं। अरे मंगला, अपनी भतीजी ने लिया, कमर से आ गए। खम्मा गणी कंवर सा। गणी कंबा जी, बस यो एक ही धन है हमारे पास, तो मारी छोरी गंगा। अब आपने पसंद आ जावे तो फिर बात आगे करा। गंगा, हाँ हाँ हाँ, कितना पवित्र नाम है ना पंडित जी। पंडित जी, छोड़ी तो मुझे पसंद है, यही बनेगी मेरी सपनों की रानी। लेकिन पंडित जी, दान दहेज में फूटी कौड़ी भी ना दे सकूंगी, ये अच्छी तरह से जान लो। दान दहेज की बात कौन कर रहा है? मुझे तो आपकी बेटी दो जोड़े कपड़े में भी ना कर दो। मेरे पास भगवान का दिया हुआ बहुत संपत्ति है, नहीं है तो सिर्फ गंगा। पंडित जी, मुझे गंगा पसंद है, मैं तो गंगा से ही शादी करना चाहता हूँ। आज अभी मेरी शादी करा दो। अरे अरे अरे, अभी नहीं, अभी नहीं, सबर रखो सेठ जी, जल्दी कोणी। अरे कल का मुहूर्त तो वैसे भी निकलने वाला है, नहीं एक रात की तो बात है, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। यो सब क्यों हो रहे हो मासा? हाँ, क्यों हो रहे हो ये सब? और गंगा, मारी बहन गंगा अभी नाबालिक है, नाबालिक, और थम सब लोग मिलके उसका ब्याह करने लग रहे हो, और वो भी इस खुसर से। अरे महेश, ये कोई मामूली मानस ना है, अरे बहुत बड़ा घराना है इनका। कवर सा, हमारी छोरी गंगा को बहुत खुश रखे, और चढ़ावे में 25 तोला के जेवर चढ़ा रहे हैं। हाँ, 25 तोले के सोने के जेवर ही नहीं, 5 किलो की चांदी और 5 लाख नकदी भी। मेरी सारी संपत्ति तो गंगा की है, अरे यही है मेरे सारी संपत्ति की मालकिन। पर मासा, गंगा की अभी उम्र को नहीं हुई ब्याह की, और जे ये बात बाहर किसी ने भी बेरा लग गया ना कि हम सब लोग एक नाबालिग का ब्याह करन लग रहे हैं, तो सबने जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे तो ढिलोरा पीट के थोड़ी ब्याह करनी है, अरे हम तो कहीं भी चुपके से ब्याह कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना सेठ जी? हाँ। सेठ जी के साथ ब्याह करके सुखी हो जावेगी तारी बहन महेश, मने तो बड़े मानस लागे सर। मैं तो बस इतना चाहूं कि हमारी बहन ने किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होए, और जे हमारी बहन ने कोई भी तकलीफ हुई ना, तो मैंने 2 मिनट नहीं लगेंगी थाने में रिपोर्ट लिखवाने में। तकलीफ? कैसी बातें करते हो साले साहब, फूलों पर चलेगी थारी बहन, पलकों में बिठा के रखूंगा इन्हें मैं। महेश, थारी बहन का जीवन संवर जावेगा बेटा, और इतने भले मानस से शादी करके सुखी रहेगी, मारे को भी ऐसा ही लागे। ठीक है मासा, हम सब लोग बड़े हो, थारी राजी में ही मारी भी राजी है। आज तो मैं ब्याह पक्का समझू ना? पक्का जी पक्का, अब इनके हाथ में गंगा का हाथ सौंप कर हम भी गंगा नहा लेंगे। तो फिर इसी बात पे मुंह मीठा हो जाए। क्यों री, घूंघट में तो आंखें ना बड़ी तरेर तरेर के देख रही थी। तू भी तो अपनी बहन को देख के लार टपका रहा था। हा? क्या करूं, तो ऐसी आफत की पुड़िया लग रही थी ना, मेरा बस चलता तो वहीं लपेट लेता तुझे। और जो तेरी खोटी नीयत को कोई देख लेता तो बोलना खुल जाती कि अब भाई बहन नहीं कुछ और है। भाई बहन की नीयत पे जो शक करे उसकी नीयत भी खोटी समझो। के करण लाग रहा हो तुम,
तुमने थोड़ी शर्म है कि नहीं? ये वो जेठाराम ने जरा सी भी भड़क पड़ गई ना तो शादी तोड़ देगा। बड़ी मुश्किल से कवारी और नाबालिग छोरी की खातिर इतना इतना चढ़ावा देने लग रहा है वो। कैसे खबर लगेगी उसने? उसने कौन बताने थोड़ी ना जावेगा। देख छोरी मारे मुंह मत लाग, घनी रात हो गई है, चल मारे साथ। और रामेश तू भी सो जा, कल सुबह उठ के सारा शादी का काम निपटा रहा है, मारे को तभी चैन आवेगा। बड़ी मुश्किल से इतनी धनी आसामी मिली है। आए हाय चांद सा रोशन चेहरा। अब इस पूरे मकान की मालकिन तुम, ये लो ये चाबियों का गुच्छा, इसमें घर की भी चाबी है और तिजोरी की भी। अब ये सब तुम्हारा, इसका वजन मुझसे सहा नहीं जाता, किसी की नजर ना लगे। कौन नजर लगावेगा जी मारे? नजर तो अब सारी तुम्हारी लागनी है मारे। पूरी दुनिया की नजरों से तुझे बचा के रखेगा ये जेठा। अब इन गहने को तो उतार दो, ये सब चुभता नहीं तुझे, हटा दो। ये सिंगार अब तुम ही उतारना ने हाथा से, पर उससे पहले मारे हाथा से दूध तो पी लो, काजू बादाम पिस्ता वाला। उठिए जी, ये लो दूध पी लो हमारे हाथा से। जी सबर करो, नहीं जल्दी हो रही है आपने। सबर ही तो नहीं हो रहा है जी, तुम्हारे जैसी कमसीन कन्या मेरी पत्नी बनेगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो तुम्हारी सुंदरता का नशा मेरे सर पे छाने लगा है। और जी इस उम्र में इतना नशा अच्छा कौन है? क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं, बहुत सुंदर। क्या हुआ जी?
बड़ी देर कर दी छोरी ने, आई क्यों ना अभी तक? बुआ फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर ट्रेनिंग तो तन्ने दिया ना, कच्ची को नहीं है छोरी, अपने काम में पूरी मास्टर है मास्टर। ठीक से समझा दिया था ना तने? समझा दिया था मैंने बुआ, तो टेंशन मत कर। तो मैंने एक बात बता, गजोधर माखन लाखन ज्ञानेश्वर कोई बच पाया उसके वार से? सारे अधेड़ों को अपने कमसन जवानी के वार से ना चारों खाने चित कर दिया छोरी ने। अरे छोरी आजा आजा आजा। हाँ छोरी वाह, महेश थारी बात तो एकदम सच हो गई, इसने भी चारों खाने चित करके आ गए छोरी। ला थारी बलाएं तार लो, पर इस बार सबसे ज्यादा हिस्सो थारो, क्योंकि सारो कमाल तो थारो ही है। सर सर, लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, इसके मुताबिक वो नाबालिग थी पर कुंवारी नहीं थी, और इसमें उसके साथ रेप का कोई सबूत भी नहीं है। उदय कहीं ऐसा तो नहीं है किसी वजह से कोई उसे पहचानने के लिए आगे नहीं आया कि वो लड़की नाबालिग है? क्योंकि न सिर्फ नाबालिग से शादी करना कानूनन अपराध है, बल्कि उस शादी के लिए सहमत होना और उसमें शामिल होना उससे भी बड़ा अपराध है। सर हो सकता है वजह यही हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसकी शादी में कोई शामिल हुआ ही ना हो। हो सकता है, फिर भी अगर उस शादी में बाराती ना भी हो तो पंडित तो जरूर रहा होगा। यस सर। तो पता करो आसपास के पंडितों से कि किसने इसकी शादी करवाई। क्विक क्विक। यस सर। जयराम जी के इंस्पेक्टर साहब। जयराम जी। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? सुना है पंडित जी इस बार सबसे ज्यादा शादियां आप ही ने करवाई हैं। सब भगवान की कृपा है। जी हाँ। इसकी शादी भी आप ही ने करवाई? इंस्पेक्टर साहब इस बच्ची को मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, ऐसी कोई शादी का लेखा जोखा है जिसमें कोई शोर शराबा ना हुआ हो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हर शादियों में धूम धड़ाका तो होता ही रहता है, लेकिन जिन शादियों में हल्ला गुल्ला नहीं होता वो मंदिर के पीछे चुपचाप से शादी करके निकल जाते हैं। ज्यादातर ये प्रेमी जोड़े होते हैं या फिर वो बेचारे जो दूसरी तीसरी ब्याह करना चाहते हैं। और ऐसी शादियों का कुछ लेखा जोखा होता है मंदिर में? इस माह में दो चार शादियां हुई हैं, उनमें से एक जेठाराम सेठ हैं, उन्होंने कुंवारी कन्या से ब्याह किया था और उन्होंने आग्रह किया इसकी भनक किसी को ना पड़े। कहाँ मिलेगा ये आपका जेठाराम? यहाँ से आधा कोस दूर जेठाराम की कोठी है। जेठाराम तुम ही हो, कपास के व्यापारी? जी साहब। कौन कौन है घर में? मैं अकेले रहता हूँ साहब, बचपन में ही माँ और बाबूजी दोनों ही गुजर गए और बुढ़ापे में बीवी गुजर गई है ना साहब। इस बात का मुझे बेहद दुख है। बहुत दुख है, शर्म नहीं आती? एक नाबालिग लड़की से गुपचुप शादी करते हो और उसकी हत्या हो जाती है, उसका दुख नहीं है तुम्हें? बहुत दुख है साहब। और फिर उसकी लाश की शनाख्त के लिए मैंने पोस्टर लगवाए और उसकी पहचान के लिए तुम थाने भी नहीं आए, कोई तो वजह होगी। देखो तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हें तुम्हारी बीवी के मर्डर के इल्जाम में अंदर कर देंगे, समझे? भारी भूल हो गई साहब। साहब मैं तो बस शादी करना चाहता था और इस बात के लिए और उसके गांव के लखन पंडित से मैंने बात की, बस और कुछ नहीं साहब। गंगा से ब्याह न जाने के लालच में मैं लूट गया साहब, बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट कर वो भाग गई। गंगा
गंगा, गंगा! बर्बाद हो गया गंगा, मेरा सब कुछ लूट कर वो भाग गई। तुम्हारी भी शादी उसी ने कराई थी गंगा से? जी साहब। क्या नाम है उस पंडित का? लखन पंडित साहब।